थोड़ा माल रह गया ऊपर ना, भेड़ भूल गई कोई? हाँ भेड़ बच्चे रह गए। अच्छा दिन में ऊपर चढ़ रहे थे तो अभी जा रहे हैं ढूंढने के लिए। चलो चलते हैं। तो अभी भाई थोड़े आगे आ गए भेड़ बकरियों को लेके। देखिए और यहीं पे ही मैं रुका हुआ हूँ, और ये है हमारी सुंदरी। इन भाई का है ये कैफे, है ना भाई? हाँ जी, हाँ जी। बाकी अभी आपको भेड़ बकरियाँ दिखा देते हैं। तो देखिए उनका डॉग। तो जिस होटल के पास मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से करीब 2 किलोमीटर ऊपर यहाँ जैसे भाई ने डेरा लगाया हुआ है, और 2 डेरे हैं ये, है ना भाई? अभी रोड साइड ही मिल गए मुझे। ये देखिए भेड़ बकरी अभी डेरे की तरफ आ रही हैं। और भाई कैसे है? अच्छा कल आप राला नाला में पहुँच जाओगे? तो वहाँ पे मैंने सुना है बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत ऐसे होती है, बाकी दिक्कत तो नहीं होती है, पानी होता है ना ज्यादा। नहीं जैसे भेड़ बकरी आप क्रॉस करते हो पानी से ही करनी पड़ती है, जब कोई पुल नहीं होता कुछ नहीं होता। पुल की जरूरत है वहाँ पे? जरूरत तो है लेकिन बनाते ही नहीं। पिछले गद्दी जो मुझे मिले थे ना वो बोल रहे थे कि वहाँ पे कई बार बह जाती है पानी में। हाँ निकल जाती है, मर जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अच्छा अच्छा ये जो भाई मुझे मिले अभी ये भी हमारी साइड से, हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं इनके घर, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप यहाँ पे कैसे? मैं मलाना हो गया, 12 साल मलाना ही रहता हूँ ज्यादातर। मलाना? हाँ। मैंने भी काफी सोचा है कि मैं वहाँ जाऊंगा। अच्छा 2 हफ्ते बाद। ठीक है मलाना तो अभी पहुंचेंगे हम। जगह अच्छी है मलाना? बहुत अच्छा है मलाना। फेमस क्या है वहाँ का? वहाँ का तो बंगजा है। क्या नाम है इसका? इसका शेरू। शेरू, शेरू खाता तो नहीं है? शेरू नहीं खाता है। गुड बॉय। तो मलाना में क्या है भाई फेमस? भंग। भंग? भंगे भंग। चर्स। गांजा? यस। पीना नहीं चाहिए ना? नहीं, पर जो बात सच है वही बताई हमने। हाँ। क्योंकि वहाँ पे तो ज्यादातर बाहर के टूरिस्ट आते हैं ना। यस। मंदिर है वहाँ पे? मंदिर तो है ना वहाँ पे। मैंने सुना है कि किसी भी घर से टच नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकते। अगर टच कर दिया उस गांव में घर से तो अपना कानून है, फिर सजा होगी। सजा तो जुर्माना भी है ना? हाँ। कितने हजार का है वो तो देख देखे उस हिसाब से। जे बंदा देख के? नहीं 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 नहीं, जैसा मतलब अपराध करेंगे उस हिसाब से। अपराध के हिसाब से? क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है मलाना। है ना मलाना? आप लकड़ी लाने जा रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक, लकड़ी का प्रबंध करना पड़ेगा फिर रात का। ठीक ठीक। देखिए हवा से इसके बाल कैसे उड़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। इसके बच्चे कब होंगे भाई? इसके बच्चे तो अभी छोटी है, 1 साल की। 1 साल की है? वो जो दूसरी फीमेल डॉग है वो देने वाली है ना? हाँ वो तो दे देगी। हाँ वो भी बाण है दोस्तों। और एक ये मेल है भाई, ये मेल है इनका। जो दूसरी फीमेल है ना उसकी मेटिंग इसके साथ ही हुई है? इसके साथ? हाँ शायद, हाँ इसके साथ ही हुई है। अच्छा अच्छा वो भी बाण है और ये भी बाण है, देखिए साइज भी अच्छा है इसका। तो भाई अभी एक भेड़ को ला रहे हैं। इसको क्या हुआ भाई, ये कहाँ था? असल के लिए लिया है। अच्छा खरीदा है ये? हाँ खरीद की है इसकी। वो देखो शनिवार को नहीं देते है ना, फिर आज शुक्रवार है, आज दे दिया। अच्छा अच्छा चल। आपके पास कितने ऐसे बड़े? अभी तो हमने छोड़े ही नहीं ना, अभी है 2-1 घर में बेटे है जी, ये सारी 750। 750 बेटो भी? सिर्फ 2 ही है मेल? नहीं ये होते हैं जैसे केंदे का माल नहीं है इतना ज्यादा। अच्छा अच्छा 150-200 इसका, 150-200 इसका, जैसे थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर लेते हैं हम साथ। सड़क से नीचे भी भेड़े बैठी हुई हैं, बाकी अभी और माल आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। नीचे कोक्सर की मार्केट के पास पहुंच गया। आज
वो यहाँ पे बैठेगा ना? हाँ यहाँ पे बैठेगा वो। अच्छा हाँ, अभी थोड़ा लेट हो गए ना पीछे। उनके साथ घोड़े भी आ रहे हैं? हाँ घोड़े भी है। अच्छा अच्छा, तो कुत्ते भी होंगे ना? कुत्ते भी है। तो भाई अभी आप ऊपर जा रहे हो? हाँ जी भाई। क्या हुआ? थोड़ा माल रह गया ऊपर ना। भेड़ भूल गई कोई? हाँ भेड़ बच्चे रह गए। अच्छा, दिन में ऊपर चढ़ रहे थे तो अभी जा रहे हैं ढूंढने के लिए। चलो डेरे से काफी ऊपर आ गए हम, भेड़ और उसके बच्चों को ढूंढते हुए, लेकिन हमें मिली नहीं। तो आपको क्या लगता है भाई? अब तो रात को कहाँ मिलेगी, सुबह ही पड़ेगी देखना। हाँ टॉर्च तो भाई ने बहुत लगाई, ऊपर भी दिखाई दिया था कुछ, वो घोड़े थे ना? घोड़े। क्या लगता है आपको, अभी मिल जाएगी? हाँ सुबह मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, मिलनी चाहिए। पहले तो घास था चढ़ते टाइम, उसके बाद बड़े बड़े पत्थर थे। अब यहाँ पे थोड़ी देर हमने रेस्ट की, अब जाएंगे फिर से नीचे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस और देखिए रास्ता कैसा है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से चले थे हम। वो देखिए नीचे जो आपको लाइट दिखाई दे रही है छोटी सी, वहाँ पे है डेरा। बाकी एक डेरा सामने भी आपको दिखाई दे रहा होगा अंधेरे में। ये भी हमारे साथ आ गई थी। बाकी भाई पहुँच गए नीचे, तो मुझे भी जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो। खाना खाने के बाद भाई ले आया अभी पानी की कैनी। भाई से बात हो गई थी। हाँ। तो इस टेंट में रुकोगे आप, आ जाना। तो जैसे आप हाइट पे जाते हो ना, तब भी यही टेंट लगाते हो? नहीं नहीं, तब तो कहाँ घोड़े नहीं ना। हाँ ये बड़ा है ना, ये प्लास्टिक वाला, फिर प्लास्टिक वाला, ये वाला दूसरा। अच्छा फिर दूसरा कुछ नीचे। अभी घोड़ों को बांधने जा रहे हैं ये। एक ये डॉग आया इनके साथ और एक वहां पे बैठा है। अब इनमें ये नहीं पता मेल कौन सा है फीमेल कौन सी है। आपका सफर कैसा रहा आज? मेरा सफर, हमारा बढ़िया, सबका बढ़िया, सबका सफर। अच्छा आप मतलब कितने की दूर से आए आज आप यहाँ पे? मेरे ख्याल 15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर? हाँ 15-20 किलोमीटर। चलो नए लड़के कहाँ करेंगे अब इस काम को ना, ये काम करने के लिए रखा हुआ है उनको ना, देना भी चाहिए ये काम, अब देना ही चाहिए काम ऐसा। अच्छा मतलब नए लड़कों को करना भी चाहिए? क्या करें, करना भाई कष्ट है इसमें बड़ा भाई। तो अगर नहीं करेंगे तो कल्चर खत्म नहीं हो जाएगा? कल्चर खत्म होगा क्या करें, कल्चर सारे ही तो खत्म हो गए, कहाँ रहे ये तो सारे भूल रहे हैं। पहले हल लगाते थे हम, हल को भूल गए लोग, ब्लैक टी पी रहे हैं। राला कितना दूर है यहाँ से?
यहाँ से टोटल बाय रोड तो है ज्यादा ना, हम जाते ना शॉर्टकट। अच्छा, कट से जाते हैं मतलब 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो। अच्छा, आपके लिए 20 किलोमीटर है। अगर आप शॉर्टकट जाओगे तो, शॉर्टकट अगर बाय रोड जाओगे तो ज्यादा, बाय रोड तो ज्यादा है ना। ठीक है भाई, फिर ठीक है भाजी। सुंदरी के पास में पहुंच गया और अभी बॉक्सर मार्केट की तरफ जा रहा हूं, जहां पे मैंने रूम लिया है और कल अलग भेड़ पालकों से मुलाकात होगी। चलते हैं यहां से और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। हरिओम।